दोस्तों, बांग्लादेश में बढ़ते हुए संकट ने भारत के लिए एक गंभीर खतरा और चिंता का विषय खड़ा कर दिया है। हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने भारत के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जो हमारे सबसे बुरे डर को सच कर सकती है। हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश कहीं पाकिस्तान की तरह एक दुश्मन पड़ोसी न बन जाए, और अब यह डर असलियत बनने के कगार पर है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति में जो बड़े बदलाव आए हैं, वे इस चिंता का मुख्य कारण हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जिसे खालिदा जिया नेतृत्व कर रही हैं, जो अब देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, शेख हसीना की सरकार जो अब तक बांग्लादेश में शासन कर रही थी, लगभग पूरी तरह से गिर गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अवामी लीग के नेता या तो मार दिए गए हैं या फिर देश छोड़कर भाग रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि BNP, जो भारत के विरोध में सक्रिय है, अब सत्ता संभालने के करीब है। दोस्तों, BNP का सत्ता में आना भारत के लिए खासकर चिंताजनक है, क्योंकि इस पार्टी का इतिहास भारत के खिलाफ रहा है। अगर अभी चुनाव होते हैं तो लगभग पक्का है कि BNP जीतेगी और खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। BNP ने अपनी सरकार बनने से पहले ही अपनी सोच साफ कर दी है। उन्होंने ऑफिशियल तौर पर कह दिया है कि अगर भारत उनके दुश्मनों को शरण देता है, खासकर शेख हसीना और उनके मंत्रियों को, तो भारत को दुश्मन समझा जाएगा। BNP ने साफ कह दिया है कि वे भारत के साथ तभी सहयोग करेंगे जब भारत उनके शर्तों पर चलेगा। दोस्तों, यह विकास भारत के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर जब बांग्लादेश की अभी की अंतरिम सरकार ने भी भारत के खिलाफ स्टैंड लिया है। अंतरिम सरकार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब भारत ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि इसे बांग्लादेश का इंटरनल मैटर कहा। इससे बांग्लादेश की अभी की सरकार भारत के प्रति एक तरह से धमकी देने लगी है और कह रही है कि वे भारत का यह व्यवहार कभी नहीं भूलेंगी। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से संबंधित तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों, सवाल यह उठता है, अगर बांग्लादेश भारत के साथ सहयोग नहीं करता तो इसका असर कितना होगा? पहली नजर में लग सकता है कि इसका असर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच कोई ज्यादा ट्रेड नहीं होता। लेकिन यह बात ट्रेड के बारे में नहीं है, मुख्य समस्या सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए हमें 2006 के पहले के समय पर ध्यान देना होगा। जब खालिदा जिया पहले सत्ता में थीं, तब बांग्लादेश पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकियों का गढ़ बन चुका था और भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ होती रहती थी। यह सीमा भारत के लिए उतनी ही सुरक्षा समस्या थी जितनी कश्मीर के इलाके में। पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ दोस्तों, जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने इन हरकतों पर लगाम लगाई। उनकी सरकार ने भारत विरोधी आतंकियों को या तो देश से भगा दिया या फिर उन्हें फांसी दे दी। इससे भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा बेहद बेहतर हो गई थी दोस्तों। लेकिन अब BNP के वापस सत्ता में आने की संभावना के साथ यह डर है कि बांग्लादेश फिर से भारत विरोधी आतंकवाद का गढ़ बन सकता है। जो लोग अब बांग्लादेश में सत्ता में आने वाले हैं, वे भारत के प्रति नफरत रखते हैं। अभी तक उन्होंने पूरी तरह से सत्ता संभाली भी नहीं है, लेकिन उनकी भारत विरोधी भावनाएं पहले से ही सामने आ गई हैं। आप सोच सकते हैं कि जब ये लोग पूरी तरह से सत्ता में आएंगे तो भारत के लिए क्या समस्या खड़ी होगी दोस्तों। लेकिन इन बुरे संकेतों के बीच एक रोशनी की किरण है। भारत के लिए म्यांमार, जो अपने बांग्लादेश के प्रति पुराने दुश्मनी के लिए जाना जाता है, भारत का एक मजबूत साथी बन सकता है। म्यांमार की बांग्लादेश के प्रति दुश्मनी और भारत के साथ उसके रिश्ते इस स्थिति में भारत के लिए एक प्लस पॉइंट बन सकते हैं। अगर भारत और म्यांमार मिलकर बांग्लादेश की नई सरकार को काउंटर करें, तो इससे बांग्लादेश के नए शासक जरूर प्रेशर में आएंगे। दोस्तों, इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत के लिए यह जरूरी है कि म्यांमार के साथ अपना अलायंस मजबूत करे और साथ मिलकर बांग्लादेश की सरकार से निपटने के लिए तैयारी करे। राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक रणनीतियों का सहयोग करके
भारत अपने हितों की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहा यह संकट भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। बीएनपी का उदय, जो भारत विरोधी पार्टी है, और शेख हसीना की सरकार का गिरना भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। इंटरिम सरकार का भारत के प्रति दुश्मनाना भावना और भी ज्यादा संकट उठाता है। लेकिन यदि भारत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है और अपने अलायंस खासकर म्यांमार के साथ मजबूत करता है, तो इस कठिन स्थिति को भारत संभाल सकता है और अपने हितों को सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दोनों साउथ एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं और इनके बीच भूगोल, इतिहास और संस्कृति के गहरे संबंध हैं। बांग्लादेश, जो 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत के समर्थन से मुक्ति युद्ध के बाद एक स्वतंत्र देश बना था। तब से लेकर आज तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते समय के साथ अपने हाइज और लोज से गुजर चुके हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4,096 किमी की सीमा है, जो भारत की चार राज्यों वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा से लगती है। यह सीमा रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिसमें से भारत का बांग्लादेश के साथ सारसी, बिम्स्टेक जैसे रीजनल ग्रुपिंग्स के माध्यम से सहयोग है। दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के संबंध तब मजबूत हुए जब शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने बांग्लादेश में शासन संभाला। शेख हसीना का भारत के प्रति नरम और सहयोगी रुख रहा है। उन्होंने भारत विरोधी आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कई कार्यवाही की है और भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत की है। दोस्तों, लेकिन आज के समय में बांग्लादेश की राजनीति में कई बदलाव दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जो खालिदा जिया के नेतृत्व में है, अब एक बार फिर से सत्ता में आने के करीब है। बीएनपी का भारत विरोधी रुख और पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध भारत के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, उसके चलते भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते आने वाले समय में काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं। भारत को अपनी सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जब बांग्लादेश के नए नेता भारत के प्रति अपनी सकारात्मक सोच न रखते हों। दोस्तों, ऐसे में भारत का म्यांमार के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना और साउथ एशिया में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को और मजबूत करना एक जरूरी कार्रवाई हो सकती है। भारत को बांग्लादेश में हो रहे इन परिवर्तनों पर नजर रखनी होगी।